हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक, इवोल्यूशन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिकल थॉट्स। जियोमॉर्फोलॉजिकल थॉट्स का इवोल्यूशन हुआ कैसे, ये चीज़ें हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो इस ये जो हमारा टॉपिक है इसका दो पार्ट है, तो इस पार्ट में हम कुछ कवर करेंगे और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हमारा पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर के आपको नोट्स मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे। और अगर आपको पार्ट फर्स्ट पढ़ना होगा इसका, लाइक आपको नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना होगा, तो उसका भी लिंक दिया हुआ है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है हमारा इवोल्यूशन, कैसे स्टार्टिंग हुआ। द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी इज द रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल बट सक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ जियोमॉर्फिक थॉट्स। देखो, जो हमारा आज का जो जियोमॉर्फोलॉजी का जो स्टेटस है वो कैसे हुआ, धीरे धीरे हुआ। कोई भी चीज़ सडनली तो नहीं हो जाती है, धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होता है। तो जो भी सक्सेसिव डेवलपमेंट थे इस थॉट्स में, जो भी जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, तो उसमें जो भी डेवलपमेंट्स देखने को मिले जो कि सक्सेसफुल हो रहे थे, उन सबसे धीरे धीरे बन करके क्या हुआ, आज जो हमारा जियोमॉर्फोलॉजी है वो तैयार हुआ है, ठीक है। और इसमें जो थॉट्स थे वो बहुत सारे लोगों के थे, पोस्टुलेटेड इन डिफरेंट पीरियड्स बाय इनुमरेबल फिलोसफर्स, एक्सपर्ट्स एंड जियो साइंटिस्ट इन द सब्जेक्ट एंड आउटसाइड द सब्जेक्ट। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि इसमें लोग कितने थे, इनुमरेबल थे, मतलब अनकाउंटेबल थे, मतलब उनको काउंट तो किया जा सकता है, लेकिन इतने सारे थे। जैसे कि अब कोई एक इंसान तो नहीं हुआ कि जिसके मन में ये जियोमॉर्फोलॉजिकल थॉट्स आने लगे होंगे, बहुत सारे होंगे इनुमरेबल फिलोसोफर्स और एक्सपर्ट्स, ठीक है, जो कि इस सब्जेक्ट से भी रिलेट करते थे और इस सब्जेक्ट के बाहर से भी रिलेट करते थे। ओके, तो इन सारे जो भी ये फिलोसोफर थे, एक्सपर्ट्स थे, जियो साइंटिस्ट थे, अब वो एक साथ तो पैदा नहीं हुए होंगे, सबके जो टाइम पीरियड्स होंगे वो अलग अलग होंगे। तो इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डिफरेंट फिलोसफर्स के थॉट मिलकर के आज का जो हमारा जियोमॉर्फोलॉजी है वो बना है, ठीक है। आगे देखो हम क्या पढ़ते हैं। दस द डेवलपमेंट फेजेस ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी इंडिकेट इट्स डायनेमिक नेचर। और इसीलिए जो हमारा क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी के जो डेवलपमेंटल फेजेस हैं, जिसमें कि हम पता चलता है कि क्या क्या डेवलपमेंट हुए, क्या क्या चीज़ें सामने आई, कौन से टाइम पीरियड में, तो ये क्या शो करता है कि जो हमारा जियोमॉर्फोलॉजी है इसका जो नेचर है वो क्या है, डायनामिक है, गतिशील है, मोबाइल है, मतलब कि हमेशा क्या होते रहा है, चेंजिंग होते रही है कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं हुआ है कि जो एक टाइम में, मतलब एक हमारा जो है लैंड फॉर्म हो गया, मतलब एक लैंड बन गया, तो वैसे का वैसे ही रह गया, उसमें चेंजिंग आते रहा है, ठीक है। इसलिए क्या है, ये डायनामिक नेचर है इसका, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। आगे हम देखेंगे एंशियंट पीरियड, एंशियंट पीरियड में क्या चेंजिंग हुआ, सबसे पहले हम वो देखेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी हैज़ डेवलप्ड फ्रॉम द वर्क ऑफ द लेट 18th एंड 19th सेंचुरी। जियोमॉर्फोलॉजी इस्टेब्लिश्ड कहाँ से हुआ, डेवलप्ड कहाँ से हुआ है, तो जो भी वर्क हुए 18th और 19th सेंचुरी में, वहाँ से ये जियोमॉर्फोलॉजी डेवलप्ड हुआ है हमारा, ठीक है। तो जैसे कि होता है ना कि किसी चीज़ का रिकॉर्ड बनाया गया, तो रिकॉर्ड जो हमारा आया है वो 18th एंड 19th सेंचुरी का ज़्यादा है, उससे पहले का जो भी था वो जियोमॉर्फोलॉजी मतलब उतना नहीं था, ठीक है। जैसे कि बातें तो हो रही थी, लाइक हमारे अर्थ रिलेटेड बातें भी होती थी, लैंडफॉर्म से रिलेटेड, वैली से रिलेटेड, सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारे फिलोसफर होते थे जो सर्च करते थे इसके बारे में, लेकिन जियोमॉर्फोलॉजी नाम की कोई चीज़ आई नहीं थी। ये कब डेवलप्ड हुई, ये डेवलप्ड हुई 18th और 19th सेंचुरी में। सम आइडियाज़ रिगार्डिंग लैंड फॉर्म्स वर इनडायरेक्टली पोस्टुलेटेड इवन इन द एंशियंट पीरियड। बहुत सारे आइडियाज़ थे लैंड फॉर्म्स को लेकर के जो कि एंशियंट पीरियड में आ चुके थे, ठीक है। वेन फिलोसफर एंड हिस्ट्रियंस ऑफ ग्रीस, रोम, इजिप्ट एटसेट्रा, द प्रिंसिपल सीट्स ऑफ एंशियंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन टुक द इनिशिएटिव इन द प्रिकारियस फील्ड्स। तो देखो, जो भी चीज़ें थी वो डायरेक्टली तो 19th और 18th सेंचुरी में नहीं आ गई होगी, पहले के जो भी फिलोसफर थे, हिस्ट्रियंस थे, जैसे कि ग्रीस, रोम, इजिप्ट के हो गए, उन सारे वो लोग जितने भी थे, उन लोगों के भी कुछ आइडियाज़ थे लैंड फॉर्म्स को लेकर के, ठीक है। आगे देखो हमारे हेरोडोटस के बारे में, सबसे पहले फाउंडर ऑफ हमारे हिस्ट्री हैं, नोटेड ग्रीक हिस्ट्रियन, ये कहाँ के हैं, ग्रीक के हैं, ठीक है। मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ रिवर्स एलुवियल बिहेवियर। अब इनका योगदान किस चीज़ में रहा है, इनका कंट्रीब्यूशन किस चीज़ में रहा है, फील्ड ऑफ रिवर्स एलुवियल बिहेवियर, जो रिवर्स का एलुवियल बिहेवियर है उसमें इनका योगदान ज़्यादा रहा है, कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहा है, ठीक है। ही पोस्टुलेटेड दैट इजिप्ट वॉज द गिफ्ट ऑफ नील। अब जो नील रिवर है हमारा, उनके लिए क्या है, हेरोडोटस का क्या मानना है कि जो इजिप्ट है वो किसका दिया हुआ है, जो नदी है नील उसका दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ अगर याद रहेगी तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, कि मतलब सबका एक अलग तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे, बस पॉइंट लिखा हुआ है। एक ग्रीक हिस्ट्रियन थे, इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो रिवर्स के एलुवियल बिहेवियर को लेकर के था, और इन्होंने पोस्टुलेट किया था क्या चीज़, कि इजिप्ट जो है हमारा वो गिफ्ट ऑफ नील है, ठीक है। आगे क्या हमारा, ही फर्दर रिलेटेड द शेप ऑफ
डिपोजिशनल फीचर एट द माउथ ऑफ द रिवर ऑफ ग्रीक लेटर डेल्टा एंड नेम दिस फीचर डेल्टा। अब देखो जो हमारी नील रिवर है उसका दिया हुआ तो इजिप्ट है, ये पता चल गया, हेरोडोटस का यह मानना था। अब उन्होंने फर्दर किस चीज़ को रिलेट किया है, तो जो माउथ ऑफ रिवर होता है, जैसे कि जहाँ पे कोई भी नदी देख लो, ऐसे नदी आकर के जब समुद्र में मिलती है तो ये जो पार्ट हुआ उसको हम बोलते हैं माउथ ऑफ रिवर। तो ये जो माउथ ऑफ रिवर है उन उस चीज़ को उन्होंने किस चीज़ से डिनोट किया है, इस लेटर से, डेल्टा से। अब देखो पहली चीज़ तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है कि डेल्टा होगा क्या। तो जब ऐसे रिवर फ्लो करती है तो जो भी इसके साथ जो भी मतलब चीज़ें आती हैं, मतलब जो भी जैसे बीच रास्ते में रॉक पड़ गया, ठीक है, पत्थर पड़ गया छोटा सा, तो वो टूट करके इरोड होकर के वो क्या आएगा, इधर आएगा, तो बहुत सारा लेकर के अपने साथ आती है। और क्या होता है, एक जगह पे कुछ इस तरह से मतलब एक लैंड का छोटा छोटा पार्ट बना देती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डेल्टा कहते हैं, और बिल्कुल इसी शेप का होता है, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, इसका नाम डेल्टा दे दिया। देयर इज अ ग्रेजुअल ग्रोथ ऑफ डेल्टा टुवर्ड्स सी। अब सी की तरफ भी जो डेल्टा का ग्रोथ होता है वो भी धीरे धीरे होता है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली एक बार रिवर आई और तुरंत से डेल्टा का फॉर्मेशन हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो भी क्या होता है, धीरे धीरे होता है डेल्टा फॉर्मेशन। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मरीन फॉसिल्स इन द वैल्यू अलुवियम ऑफ द नील फार इनलैंड, ही ओपाइंड दैट द लेवल ऑफ सी इज नॉट परमानेंट बट देयर इज ऑकेजनल राइज एंड फॉल व्हेन सी एडवांसेस लैंडवर्ड, ट्रांजिशनल फेज एंड रिट्रीट रिग्रेशनल फेज। अब क्या है इनके अकॉर्डिंग, तो जो भी मरीन फॉसिल्स होते हैं, यहाँ पे नील रिवर की बात हो रही है, तो ऐसा डायरेक्टली सिर्फ नील के लिए ही नहीं है, जितने भी रिवर्स हैं, ठीक है, जो भी सीज वगैरह होते हैं उनका कोई परमानेंट नहीं होता है। मतलब कि अगर वो डायरेक्टली ऐसे बह रहा है, ठीक है, उनका लेवल इतना है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा उतना ही रहेगा। वो क्या होगा, वो राइज एंड फॉल करते रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल फेज एंड रिग्रेशनल फेज। अब ट्रांजिशनल फेज कब होता है, जब देखो ऐसे हमारा लैंड है, ठीक है, और ये हमारा रिवर या सी कुछ भी बोल सकते हैं, ये हमारा सी है, तो पानी हमारा कितना है, इतना है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ तक जब ऐसे बढ़ रहा है इधर लैंड की तरफ, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल, राइज हो रहा है वाटर का। और फॉल कब होगा, जब पानी इधर से कम होगा, पानी मतलब यहाँ तक आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रिग्रेशनल फेज बोलेंगे। ओके, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। दस वी कैन इन्फर द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिशनल एंड रिग्रेशनल फेज ऑफ द सी फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ हेरोडोटस। तो ये चीज़ याद रखना है कि हेरोडोटस का क्या कॉन्सेप्ट सामने आया अभी, ट्रांजिशनल एंड रिग्रेशनल फेजेस ऑफ सी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें किसके लिए आई हैं, किसके स्टेटमेंट से आई है, हेरोडोटस के स्टेटमेंट से, क्योंकि बहुत सारे फिलोसफर्स हैं और सबके स्टेटमेंट अलग अलग हैं, तो ये याद रखना ज़रूरी है कि किन का स्टेटमेंट कौन सा है। आगे एरिस्टोटल, अब इनका क्या स्टेटमेंट है वो भी देख लेते हैं। अ रिप्यूटेड ग्रीक फिलोसफर, ये क्या है, एक रिप्यूटेड ग्रीक फिलोसफर है, प्रेजेंटेड सम वेरी इंटरेस्टिंग आइडियाज़ रिगार्डिंग वाटर स्प्रिंग, ऑरिजिन ऑफ स्ट्रीम्स एंड बिहेवियर ऑफ सीज एंड ओशंस। अब इनके क्या आइडियाज़ थे, किस चीज़ को लेकर के, उनका तो था सी लेवल को लेकर के आइडिया था, डेल्टा को लेकर के था, ठीक है, इनका वाटर स्प्रिंग को लेकर के, वाटर स्प्रिंग मतलब जहाँ पे ग्राउंड वाटर बाहर निकलता है, होता है ना ऐसा कि कहीं पे मतलब ग्राउंड लेवल का जो वाटर है वो काफ़ी ऊपर आ जाता है, तो यहाँ से जो वाटर है वो बाहर निकलना शुरू कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वाटर स्प्रिंग बोलते हैं। ओरिजिन ऑफ स्ट्रीम्स, बिहेवियर ऑफ सीज एंड ओशंस, इन सब को लेकर के उनके आइडियाज़ थे। ओके, अब उनके अकॉर्डिंग क्या है ये देख लेते हैं। स्प्रिंग फीड स्ट्रीम्स आर सीजनल एंड इनफॉर्मल नॉन परमानेंट। जो भी स्प्रिंग फीड स्ट्रीम्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन परमानेंट होते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये भी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब आराम से हम इसको समझ सकते हैं कैसे, कि ग्राउंड लेवल ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा मतलब यहाँ तक रहे ही, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो क्या होगा, ग्राउंड लेवल का जो वाटर है वो डाउन हो जाएगा, तो यहाँ से तो वाटर स्ट्रीम नहीं निकल पाएगा, जो वाटर स्प्रिंग है, जो पानी है, बाहर नहीं निकल पाएगा, तो वो क्या नॉन परमानेंट ही है, परमानेंट नहीं है। आगे क्या हमारा, लाइमस्टोन कैनोट मेंटेन परमानेंट सरफेस ड्रेनेज एज मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम्स डिसअपीयर एंड फॉर्म सबटेरेनियन ड्रेनेज। क्या होता है, जो लाइमस्टोन होता है वो परमानेंट सरफेस जो ड्रेनेज का है उसको मेंटेन करके नहीं रख सकता, इसलिए क्या होता है, स्ट्रीम्स डिसअपीयर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और क्या बन जाता है, सबटेरेनियन ड्रेनेज। ओके, तो इनके अकॉर्डिंग था, किनके अकॉर्डिंग, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग। अब इनके अकॉर्डिंग और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम वो भी देखेंगे एक एक करके। देखो और क्या हमारा, वाटर स्प्रिंग्स गेट सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू। अब वाटर स्प्रिंग तो हमने देख लिया, लेकिन उनके पास जो सप्लाई ऑफ वाटर होता है वो कैसे होता है, रेन वाटर विच रीचेज अंडरग्राउंड थ्रू द परकोलेशन एंड सीपेज। रेन वाटर से भी क्या होता है, जैसे कि बारिश जब हुई तो पानी कहाँ जाता है, हमारे ग्राउंड लेवल पे ही तो जाता है, नीचे मिट्टी में ही जाता है, धरती में ही जाता है,
तो उससे क्या होगा, जो वाटर स्प्रिंग्स हैं उनको सप्लाई मिलता रहेगा वाटर का, वाटर लेवल क्या हो जाएगा फिर से रिचार्ज हो जाएगा। कॉन्डेंसेशन ऑफ अंडरग्राउंड सैचुरेटेड एयर, जो अंडरग्राउंड में सैचुरेटेड एयर होते हैं उनके कॉन्डेंसेशन से क्या होता है, वाटर सप्लाई होता है, वाटर वेपर से भी होता है। ये तीन चीज़ें हैं कि वाटर स्प्रिंग, हाँ ये मतलब हाँ एक क्वेश्चन अगर हम बनाए तो बन सकता है कि वाटर स्प्रिंग को जो वाटर सप्लाई होता है वो किस चीज़ के थ्रू होता है, तो ये तीन हमारे पास आंसर्स हैं कि कहाँ से होता है। ही वॉज ऑल्सो अवेयर ऑफ चेंजिंग नेचर ऑफ सी लेवल एंड डिपोजिशन ऑफ इरोडेड मटेरियल्स बाय द रिवर्स इन द फॉर्म ऑफ एलुवियम। और भी वो किस चीज़ से अवेयर थे, तो जो चेंजिंग नेचर है सी लेवल का, हर चीज़ का चेंजिंग नेचर अगर पूरी अर्थ का हो गया तो सी लेवल कहाँ पर आता है, अर्थ पर ही तो होता है, तो वो सी लेवल के चेंजिंग नेचर से भी अवेयर थे। और किस चीज से, डिपोजिशन ऑफ इरोडेड मटेरियल्स बाय द रिवर्स। ठीक है, आगे हमारे स्ट्रैबो। अब स्ट्रैबो के अकॉर्डिंग क्या है, अ नोटेड हिस्ट्रियन, ये भी एक हिस्ट्रियन है, मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर्स। इनका जो कंट्रीब्यूशन योगदान रहा है वो किस चीज में रहा है, डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर्स में। अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अकॉर्डिंग क्या है, द साइज एंड शेप ऑफ डेल्टा डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ टेरेन थ्रू विच द रिवर्स मेक्स इट कोर्स। जो साइज एंड शेप है डेल्टा का वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं अभी, स्ट्रैबो के अकॉर्डिंग, तो वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ टेरेन पे जिसके थ्रू जो हमारी नदी है वो आ रही है अपना मार्ग बना करके। ठीक है, एन एक्सटेंसिव रीजन हैविंग कंपेरेटिवली वीकर रॉक्स गिव बर्थ टू लार्जर डेल्टा As weak rocks through erosion yield more sediments to maintain larger delta, while the region of resistant rocks maintain smaller delta because resistant rocks are less eroded and hence produce less sediments. देखो अब हम इसमें इससे हम क्या समझने वाले हैं, जो extensive region होते हैं, ठीक है, जहाँ पे rocks क्या होते हैं, weaker होते हैं, मतलब वो आसानी से टूट जाते हैं जब नदी का पानी आता है, तो जब rock आसानी से टूट जाएंगे तो वो सारे rocks का जो eroded materials जो होगा, उनके जो सेडिमेंट्स होंगे वो नदी के पानी के साथ साथ आएंगे, तो उनसे क्या होगा, उनसे डेल्टा जो होगा वो काफ़ी लार्जर बनेगा। ठीक है, और जहाँ पे जो रॉक्स होते हैं वो रेसिस्टेंट होते हैं, मतलब कि वो जल्दी नहीं टूटते हैं, तो जहाँ पे जल्दी रॉक्स नहीं टूटेंगे वहाँ पे क्या होगा, स्मॉलर डेल्टा ही बनेगा, क्योंकि इरोजनल मटेरियल जो थे वो आए नहीं, सेडिमेंट्स आए नहीं, तो डेल्टा बनेगा किस चीज़ का, वो तो बनता ही है ना सेडिमेंट्स से, जो डिपोजिशनल मटेरियल्स होते हैं उनसे बनता है हमारा डेल्टा, तो जो रॉक्स अगर टूटेंगे ही नहीं तो फिर बनेगा ही नहीं बड़ा सा डेल्टा, छोटा ही डेल्टा बनेगा। तो ये क्लियर हो गया सबका। अब आगे देखो, इसको बोला क्या गया है, दस वी मे रिफर द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इरोजन फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ स्ट्रैबो। स्ट्रैबो का स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है, कौन सा कॉन्सेप्ट मिलता है, डिफरेंशियल इरोजन का, मतलब कि हर जगह पे जो डेल्टा है वो बराबर नहीं हो रहा है, छोटा बड़ा बन जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, हम डिफरेंशियल इरोजन ही तो बोलेंगे, क्योंकि इरोजन हो नहीं रहा है रॉक का, तो इसकी वजह से नहीं बन रहा हमारा। आगे देखो हमारा क्या है, अब है हमारा डार्क एज, ये हमारा दूसरा है, पहला हमने किस चीज़ का पढ़ा, अभी एंशियंट पीरियड हम पढ़ रहे थे, एंशियंट पीरियड में हमने तीन चार फिलोसफर्स को देख लिया है, पहले तो हमारे हेरोडोटस थे, दूसरे हमारे थे कौन थे हमारे दूसरे एरिस्टोटल थे, फिर स्ट्रैबो थे और पता नहीं कौन कौन थे, तो पहले आप जा करके पढ़ लेना कि हमारे एंशियंट में कौन कौन थे, तो उससे हमारा क्या होगा, आंसर बड़ा हो जाएगा। अब डार्क एज में क्या है, विद द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर अ लल प्रिवेल्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ जियोग्राफिकल एज वेल एज जियोमॉर्फोलॉजिकल थॉट्स फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ 1400 ईयर्स फ्रॉम फर्स्ट सेंचुरी एडी टू 14th सेंचुरी एडी बिसाइड सम ग्लिम्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिकल आइडियाज पुट फोर्थ बाई न्यू थिंकर्स। देखो अब क्या होता है कि जब रोमन एम्पायर का फॉल हो जाता है, जब रोमन एम्पायर गिर जाता है तो उसके साथ साथ जो भी जियोमॉर्फोलॉजिकल थॉट्स थे, ज्योग्राफिकल थॉट्स थे, वो सारे क्या होते हैं डिक्लाइंड हो जाते हैं, उन सब का भी जो मतलब जो भी चीज़ें डेवलप्ड हो रही थी, जो थॉट्स आ रहे थे, वो सारे क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, गिर जाते हैं, उनमें डिक्लाइनेशन आ जाता है। अब टाइम पीरियड कितना है डिक्लाइनेशन का, 1400 ईयर्स, मतलब 1400 सालों तक, मतलब ये जो चीज़ें हैं, जो मॉर्फोलॉजिकल थॉट्स जो हैं वो सारे क्या हो, मतलब बैठे ही रह गए, उनमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं आया, वो आगे नहीं बढ़े। ठीक है, बस कुछ कुछ डेवलपमेंट आया था, कुछ कुछ लोग थे जिनके अकॉर्डिंग हम अभी देख लेने वाले हैं। बिसाइड सम ग्लिम्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिकल आइडियाज पुट फोर्थ बाई न्यू थिंकर्स, तो कुछ कुछ न्यू थिंकर्स आए जिनकी वजह से हमें जियोमॉर्फोलॉजिकल आइडियाज़ में
कुछ और देखने को मिलेगा। अभी देखो एविसेनिया है, एविसेनिया के अकॉर्डिंग क्या है, एन अरबियन थिंकर्स ब्रोक द एकेडमिक मोनोटोनी। ये क्या है, अरबियन थिंकर्स हैं जिन्होंने एकेडमिक मोनोटोनी को ख़त्म कर दिया। मतलब ये जो चलता आ रहा था, जो मतलब जो मॉर्फोलॉजिकल थॉट्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, वो सब क्या हो गया, ख़त्म हुआ। अब आगे क्या, अकॉर्डिंग टू हिम माउंटेन्स शुड बी डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज। अब इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट लाया, तो इनके अकॉर्डिंग क्या हमें पता चला कि जो माउंटेन्स है दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। कैसे डिवाइडेड हैं, माउंटेन्स ओरिजिनेटेड ड्यू टू अपलिफ्टमेंट, माउंटेन्स ओरिजिनेटेड ड्यू टू इरोजन बाय रनिंग वाटर। तो पहला क्या है, माउंटेन्स किस चीज़ से ओरिजिनेट होते हैं, अपलिफ्टमेंट से, ठीक है, जहाँ पे जो मिट्टी है वो बैठते जाता है तो वहाँ पे ऊंचाई हो जाता है। आपने देखा होगा मिट्टी बैठते बैठते ऊंचा हो जाता है, तो वैसे ही जहाँ पे पत्थर ऐसे बैठने लगा तो अगर ज़्यादा ऊंचा होने लगा तो वो माउंटेन तो एक ना एक दिन फॉर्म हो ही जाएगा, आज नहीं बनेगा लेकिन आज से बहुत सालों बाद बन जाएगा। तो अपलिफ्टमेंट से भी क्या होता है, माउंटेन बनता है। और दूसरा क्या है, जो रनिंग वाटर होता है वहाँ पर जैसे इरोजन होता है, हम अभी डेल्टा का बात कर रहे थे, तो वहाँ पर क्या होता है, जो सेडिमेंट्स आते हैं उनसे वहाँ पर क्या होता है, डेल्टा बनता है, ठीक है। तो इरोजन से जो भी मिट्टी वगैरह कहीं और पानी से जा रहा है, नदी के पानी से, तो क्या होगा, वहाँ पे भी धीरे धीरे बहुत सालों बाद माउंटेन ओरिजिनेट हो सकता है। तो ये था किसके अकॉर्डिंग, एविसेनिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो कि डार्क एज में जिनका ये कॉन्सेप्ट आया था। डार्क एज में बहुत ही कम लोग थे, अभी तो हमने एक ही का देखा है, तो शायद एक ही था। अब हम देखेंगे एज ऑफ कैटेस्ट्रोफिज्म, लॉन्ग पीरियड के बाद जो उनका मौन व्रत था, जो जो मॉर्फोलॉजिकल थॉट्स दो एकदम चुप थे, बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे एक भी, तो वो क्या होता है, अब टूट जाता है इनका मौन व्रत। देखो क्या पढ़ेंगे हम इसमें, द लॉन्ग कंटिन्यूड एकेडमिक साइलेंस ऑफ 1400 ईयर्स वॉज सडनली ब्रोकन बाय द इमर्जेंस ऑफ द कैटेस्ट्रोफिस्ट हु बिलीव्ड इन द क्विक एंड सडन ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑल एनिमेट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड दस न्यू पेजेस ऑफ पेक्युलर एंड फंटास्टिक कॉन्सेप्ट्स वेर एडेड टू द ट्रेजर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल लिटरेचर। ठीक है, तो देखो अचानक से क्या होता है, 1400 ईयर्स के बाद सडनली ये जो चीज़ें होती है, ये जो अकेडमिक साइलेंस होता है वो टूट जाता है। मतलब ये बुरे तरीके से टूटता है, इनके जब ये टूटता है तो इसके बाद बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं। अभी तो हमने किनका देखा था, एक अरबियन थिंकर थे जो इस अकेडमिक मोनोटोनी को तोड़ते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग बस दो तीन चार चीज़ें सामने आ गई, लेकिन इस टाइम में जब टूटता है तो बहुत सारे फिलोसफर सामने आते हैं। तो जो हमारे ये एज ऑफ कैटेस्ट्रोफिज्म है, इसमें क्या थे, कैटेस्ट्रोफिस्ट थे, जो किस चीज़ पर बिलीव करते थे, क्विक एंड सडन ऑरिजिन और इवोल्यूशन ऑफ जो भी हमारे अर्थ पे ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन सब का क्या हुआ है, सडन ऑरिजिन और सडन इवोल्यूशन हो गया है, वो इस चीज़ में बिलीव करते थे। और उनका मानना ये भी था कि जो हमारे अर्थ है वो सिर्फ 1000 ईयर्स पुरानी ही है, जबकि ऐसा रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इनके कॉन्सेप्ट क्या थे, वो काफ़ी फंटास्टिक थे, और अलग अलग कॉन्सेप्ट अब न्यू पेजेस में ऐड होने लगे थे, किस एज में, एज ऑफ कैटेस्ट्रोफिज्म। लेकिन ये काफ़ी चलता नहीं है, आगे पढ़ते हैं कि क्या होता है इसके साथ। एज ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, देखो इसमें क्या हमें पता चलेगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ कैटेस्ट्रोफिज्म वॉज फाइनली रिजेक्टेड एंड ग्रेजुअल साइक्लिक नेचर ऑफ अर्थ हिस्ट्री वॉज पॉस्टुलेटेड बाई जेम्स हटन। देखो जो कैटेस्ट्रोफिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो फाइनली रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ये एकदम बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि बहुत सारे जब फिलोसफर सामने आए होंगे, बहुत सारे जो हिस्ट्रियंस थे वो सामने आए होंगे, तो उनके अकॉर्डिंग क्या लगा होगा कि जो चीज़ें हैं वो डायरेक्टली या फिर जो अचानक से सडन इवोल्यूशन नहीं हुआ होगा, कोई भी चीज़ सडन ओरिजिनेट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जो कैटेस्ट्रोफिज्म का जो कॉन्सेप्ट था उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और जो ग्रेजुअल साइकिल है नेचर का, अर्थ जो हमारी अर्थ है उसकी जो नेचर है उसका जो ग्रेजुअल साइकिल है वो किसके द्वारा पोस्टुलेट किया जाता है, जेम्स हटन के द्वारा, ठीक है, इन द 18th century में थ्रू हिज वेल निट कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। इनके इस कॉन्सेप्ट से लाया जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, एज ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। बट द पोस्टुलेशन ऑफ कोहेरेंट साइंटिफिक थॉट्स इन द फील्ड ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी ऑलरेडी बिगन इन द 15th, 16th, and 17th century when the pre-existing concept of everlasting permanent landforms were rejected. तो देखो जो ये थॉट है, जो साइक्लिक नेचर का थॉट है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली इनके दिमाग में आया होगा, 15th, 16th century में जो फिलोसफर्स हुआ करते होंगे उनके दिमाग में आया भी होगा। पता ही क्यों आया होगा, सोचना चाहिए हमें कि क्यों आया होगा, क्योंकि जब ये रिजेक्ट किया गया कि जो लैंड फॉर्म्स हैं हमारे परमानेंट नहीं है, उनमें चेंजिंग होता है, तो
तो किसी न किसी के दिमाग में तो आया ही होगा जब ये रिजेक्ट किया गया तो, एंड देयर लाइफ चेंजिंग नेचर थ्रू वेदरिंग एंड इरोजन वॉज वेरी मच रियलाइज. ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि 15th-16th century में भी ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आए होंगे किसी न किसी के दिमाग में. लेकिन अभी सामने कहाँ आया, किसके दिमाग से आया, मतलब किसके कॉन्सेप्ट से आया, तो जेम्स हटन के कॉन्सेप्ट से. ओके, और सबको रियलाइज़ हुआ कि जो वेदरिंग और इरोजन है वो चेंजिंग होते रहता है. सबने बहुत ही ज़्यादा मतलब इसे रियलाइज़ किया. अकॉर्डिंग टू लियोनार्डो टू विंकी, अब हम लियोनार्डो डा विंकी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, द रिवर्स फॉर्म्ड देयर वैलीज देमसेल्व्स थ्रू वर्टिकल इरोजन एंड डिपॉजिटेड द इरोडेड मटेरियल्स एल्सवेयर. देखो, जो रिवर्स हैं वो अपनी वैलीज खुद बनाती हैं. ठीक है, वर्टिकल इरोजन से देखो जैसे कि हमारे पास ये लैंड है, ठीक है, और ऐसे नदी बह रही है, तो बहते बहते क्या होगा, बहते बहते जो नदी है वो थोड़ी नीचे होती जाएगी, गहरी होती जाएगी, गहरी होती जाएगी. और अगर यहाँ पे कुछ ऊंचाई है तो ऐसे करके ये वैली तो बनाएगी ही ना, और बीच में से नदी, तो जो नदी है वो अपनी वैलीज खुद बनाती है. किसके अकॉर्डिंग है, लियोनार्डो डा विंकी के अकॉर्डिंग. आगे क्या, हमारे बफन रिजेक्टेड द कैटास्ट्रोफिस्ट पोस्टुलेशन ऑफ वेरी लिटिल एज ऑफ द अर्थ थाउजेंड ऑफ ईयर्स. जो बफन थे उन्होंने क्या रिजेक्ट किया, कैटास्ट्रोफिस्ट ने क्या बताया था कि जो एज है अर्थ की वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर है. तो ये भी थाउजेंड्स ऑफ ईयर क्या है, ये सडन इवोल्यूशन है. तो उन्होंने इस चीज़ को क्या किया, रिजेक्ट किया. द रिवर्स वेयर द मोस्ट पावरफुल एजेंट ऑफ इरोजन एंड दे वर कैपेबल ऑफ इरोडिंग द अपलिफ्ट हाई लैंड मास टू द सी लेवल. और इन्होंने क्या बताया कि जो रिवर्स है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इरोजन मतलब एजेंट है इरोजन के लिए, क्योंकि इरोजन किसकी वजह से होता है, रिवर्स से बहुत ही ज़्यादा होता है. तो ये क्या है, मोस्ट पावरफुल है. और जो भी हाई लैंड मास होते हैं सी लेवल पे, उसको भी ये क्या करते हैं, वो कैपेबल होते हैं इरोड करने के लिए. वो जल्दी से उसको क्या करते हैं, बहुत ही आसानी से इरोड कर देते हैं. आगे हमारे पास कौन है, फ्रांचियोनी ट्रुजेटी. इनके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, ये क्या है, इटालियन थिंकर है. पोस्टुलेटेड दैट द इरेगुलर कोर्सेज सिमेट्री एंड एसिमेट्री ऑफ द वैलीज ऑफ द रिवर्स डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ रॉक्स थ्रू विच दे फ्लो. जो सिमेट्री एंड एसिमेट्री है वैलीज की, वो कौन डिसाइड करता है, तो जो इरेगुलर कोर्सेज है जिस पे रिवर डिपेंड करता है वो डिसाइड करते हैं. ठीक है, द रीजन ऑफ द मैसिव एंड रेसिस्टेंट रॉक्स मेंटेन डीप एंड नैरो कोर्सेज. तो जो जहाँ पे मैसिव और रेसिस्टेंट रॉक्स होते हैं, जहाँ पे रेसिस्टेंट रॉक्स हमने पहले भी पढ़ा कि जो टूटते नहीं है जल्दी, जो सॉफ्ट नहीं होते, तो वहाँ पे कैसी बनेगी, रीजन जो होगा वो कैसा बनेगा, डीप एंड नैरो कोर्सेज, नैरो वैलीज बनेंगी. और जहाँ पे ब्रॉड और मिंडरिंग कोर्सेज कहाँ पे बनेंगी, चौड़े रास्ते कहाँ पे बनेंगे नदियों के लिए, तो जहाँ पे जो रॉक्स होंगे वो रेसिस्टेंट नहीं होंगे, एकदम सॉफ्ट होंगे, तो वो चट्टान टूट जाएंगे, तो जो नदी का रास्ता होगा वो तो बड़ा ही बनेगा ना. तो ये है बस इनके अकॉर्डिंग. दस दिस कॉन्सेप्ट गिव्स द ग्लिम्स ऑफ डिफरेंशियल इरोजन. डिफरेंशियल इरोजन हमने पहले भी बना, सेम यही चीज़ था हमारा पहले भी. ठीक है, तो डिफरेंशियल इरोजन हमने पहले भी समझ लिया, तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. अब ग्यूथार्ड के अकॉर्डिंग क्या है, फ्लड प्लेन्स. देखो, फ्लड प्लेन्स जैसे कि इनका क्या मानना था कि जो भी नदियाँ आती है, ठीक है, तो अपने साथ तो सेडिमेंटल्स डिपॉजिट्स लेकर के आती है. तो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली अपने माउथ पे जा करके डेल्टा ही बना देती हैं, वो अपने रास्ते में भी कहीं कहीं जो डिपॉजिट्स होते हैं वो जमा हो जाते हैं, और क्या होते हैं, वो फ्लड प्लेन्स बन जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं. इनका ये मानना था. आगे क्या है, डिमरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या है, द वैलीज थ्रू विच रिवर्स फ्लो हैव बीन फॉर्म्ड बाई देमसेल्व्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वैली डिपिंग. तो जो वैलीज हैं, ठीक है, द रिवर्स थ्रू विच वैलीज सॉरी द वैलीज थ्रू विच रिवर्स फ्लो हैव बीन फॉर्म्ड. जो वैलीज हैं जिसमें से जो रिवर्स होती हैं वो फ्लो करती हैं, वो कैसे बनती हैं वैलीज, बाई देमसेल्व्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वैली डिपनिंग. वैली डिपनिंग के प्रोसेस से वो खुद बन जाती है. तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो रिवर्स हैं वो क्या करती है, अपनी वैलीज खुद बनाती है. तो यहाँ भी वो सेम चीज़ है कि जो वैलीज हैं वो वैली डिपनिंग के प्रोसेस से खुद बन जाती हैं. He was probable the first to postulate the concept of development of landforms through the successive stages. जो डेमरेस्ट थे उनके अकॉर्डिंग क्या था, वो ऐसे फर्स्ट पर्सन थे जिनके अकॉर्डिंग जिन्होंने ये पॉस्टुलेट किया, किस चीज़ को, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंड फॉर्म्स, जो डेवलपमेंट है लैंड फॉर्म्स के थ्रू द सक्सेसिव स्टेजेस. ठीक है, मतलब कि जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे कि कैट्रो, हमारा जो कैट्रोट्रोफिज्म था ऐसा कुछ, तो उसमें क्या था हमारा, उसमें था कि रिजेक्ट कर दिया गया था जो भी हमारे पास आइडियाज़ है उनको, कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया गया. तो इसमें कौन चीज़ें शामिल हैं, जो सक्सेसिव स्टेजेस हैं वो शामिल हैं. ठीक है,
तो ये फर्स्ट ऐसे इंसान थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लाया सक्सेसिव स्टेजेस के थ्रू। जेम्स हटन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा और एक बार फिर से देखते हैं इनका कॉन्सेप्ट और क्या कहता है। हिज कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट एम्ड एट द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट अर्थ हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट। तो इनका क्या है कॉन्सेप्ट कि जो हमारा आज का जो प्रेजेंट है वही पास्ट का की है, मतलब कि अगर हमें पास्ट की कोई भी चीज़ें जाननी हो तो हमें आज की जो चीज़ें हैं वो बता सकती हैं उसके बारे में। He was the first geologist to observe cyclic nature of the Earth's history. जो अर्थ की हिस्ट्री है उसका जो साइक्लिक नेचर है उसको ऑब्जर्व करने वाले वो पहले जियोलॉजिस्ट थे, ये भी याद रखना है, ठीक है। जेम्स हटन, आगे क्या हमारा। His work was published in the form of research paper. इनका जो वर्क था वो कैसे पब्लिश हुआ, रिसर्च पेपर के रूप में। द थ्योरी ऑफ द अर्थ इन्वेस्टिगेशन ऑफ लॉज ऑब्जर्वेबल इन द कंपोजिशन डिसोल्यूशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ द लैंड अपॉन द ग्लोब इन द ट्रांजैक्शन ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ द एडिसबर्ग इन 1788। कहाँ पे हुआ था ये जो इनका है जो रिसर्च पेपर वो कहाँ पे पब्लिश हुआ था, तो ट्रांजैक्शन ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग इन 1788 में। बाद में एक और बार उनका जो पब्लिश हुआ था वो कब हुआ था, लेटर ऑन। हिज मेजर वर्क वाज पब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ अ बुक इंटाइटल्ड थ्योरी ऑफ द अर्थ विथ प्रूफ्स एंड इलस्ट्रेशन। एक बुक पब्लिश हुआ था जिसका नाम क्या था, थ्योरी ऑफ अर्थ विथ प्रूफ्स एंड इलस्ट्रेशन इन 2 वॉल्यूम्स। कब हुआ था पब्लिश, 1795 में। His concept that topography is carved out and not built up is a significant contribution in geomorphology. और उनका एक और कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे इनका कॉन्सेप्ट लगता है दिया हुआ है, तो एक और कॉन्सेप्ट क्या है कि जो टोपोग्राफी है वो कार्व्ड आउट है, बिल्ट अप की गई नहीं है, ठीक है। अब देखो हमारा मॉडर्न एज है 5th, इसमें हम थोड़ा सा बस देखेंगे और बाकी क्या हम इसका आगे हम सेकेंड पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो क्या देख लेते हैं मॉडर्न एज क्या है, 19th century में है। Geomorphology became an independent discipline and major branch of geology. ये geology का एक major branch बन गया at the beginning of the 19th century. कब, 19th century के beginning में, when the development of geomorphic thoughts took place at the regional level and 2 district schools. कब, जब development geomorphic thoughts का होने लगा, तो यहाँ पे 2 regional level में हुआ है, 2 district schools में, ठीक है। of geomorphic thoughts can be वेल आइडेंटिफाइड, ठीक है। तो 2 district schools में पहला है यूरोपियन स्कूल और दूसरा है अमेरिकन स्कूल। तो हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, यूरोपियन स्कूल और अमेरिकन स्कूल में। इसमें देखें कि यहाँ पे कौन कौन से थॉट्स इमर्ज्ड हुए, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड अगर कोई पार्ट नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको अलग से पढ़ा दूंगी, ओके। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे।